हेलो स्टूडेंट्स, तो सेल बायोलॉजी के जो प्रीवियस नीट क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिंस इज। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि कौन सी स्टेज में जो समजात गुणसूत्र है उनका पृथक्करण स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा यही वही देखो कॉन्सेप्ट आ गया आपका, ये है आपका मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस अगर अपन बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो उसमें आती है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें डिफरेंट सब फेजेज होती हैं लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाई काइनेसिस। तो इसको एक बार कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। जो पैकाइटीन स्टेज है उसमें आपके होमोलोगस क्रोमोजोम है उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ओके, दैट इज टेट्राड, ये टेट्राड है बोले तो बाई वैलेंट। तो क्रॉसिंग ओवर, जैसे क्रॉसिंग ओवर होगा तो जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर ही अटैच हो गए। ओके, क्योंकि वहां पर जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद में आपकी आती है डिप्लोटीन, इसको समझना बेटा ध्यान से, डिप्लोटीन स्टेज। तो ड्यूरिंग डिप्लोटीन क्या होगा, दोनों क्रोमोजोम के बीच में जो सिनेप्टोनिमल प्रोटीन्स हैं जो उनको अटैच करके रखती हैं, तभी तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जो दोनों को बाइंड करके रखता है, तो उसका हो जाएगा डिसोल्यूशन। और जैसे ही डिसोल्यूशन होगा तो ये दोनों क्रोमोजोम जो हैं वो थोड़े थोड़े क्या होंगे, सेपरेट होंगे इस तरह से। लेकिन जहां पे ये अटैच हैं वहां सेपरेशन नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपन बोल देते हैं बेटा काइजमेटा। ओके, काइजमेटा। तो यहां पर दोनों में जो सेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे से, ये थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं बट नॉट कंप्लीटली सेपरेट टू ईच अदर। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। ये कुछ मैचिंग दी गई है आपको, इनकरेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। तो पहली मैचिंग देखो, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एल शेप करेक्ट मैचिंग है, क्योंकि सब मेटासेंट्री का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो आपका सेंट्रोमीर है वो सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा दूर होता है। तो जैसे एना फेज आएगी तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, एल शेप। ओके, पॉलीटीन क्रोमोजोम आगे दे रखा है, ओसाइट्स ऑफ एम्फीबियन, बेटा ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये ओसाइट ऑफ एम्फीबियन में नहीं होता है, इंसेक्ट्स का करेक्टर होता है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सामने जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं ये है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अभी सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए हैं, अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं वो हैं बायोमोलिक्यूल्स के। बायोमोलिक्यूल आपका अलग से एक चैप्टर है एनसीईआरटी में 11th क्लास में, और उस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, स्ट्रक्चर है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज बायोमोलिक्यूल के जो क्वेश्चंस हैं एक बार उन पे अपन सारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो नीट में पूछे गए हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, वो है द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार समझो बेटा कोएंजाइम्स होते क्या हैं, आपने पढ़ा है देखो, एक टर्म होती है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के बेटा दो पार्ट होते हैं, एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स। ओके, एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट दैट कंटेन एक्टिव साइट, और जो कोएंजाइम कोफैक्टर होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट, बट दीज आर वाइटल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनिशियस, दे बाइंड विद एपो एंजाइम एंड प्रोवाइड देम टू ए वाइटल एक्टिविटी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोफैक्टर जो होते हैं बेटा उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम, और जो थर्ड होते हैं वो होते हैं मेटल मेटल आयंस। ध्यान देना इधर, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक नेचर के हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक नेचर के हैं लेकिन ये ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं। ट्रांजिएंटली का मतलब होता है जब एंजाइम को एक्टिविटी करनी होती है तो ये उसके साथ अटैच हो जाएंगे, और जब एंजाइम एक्टिविटी नहीं करेगा तो वापस उसको रिलीज कर देंगे। ओके, तो जो कोएंजाइम है उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे विटामिन्स,
एफएडी, एनएडी, टीपीपी, आपने फिजियोलॉजी में बहुत सारे स्टडी किए होंगे, जो कोएंजाइम है उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम। तो मैनी कोएंजाइम की बात करें तो उनके लिए असेंशियल होते हैं बेटा विटामिन, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन अपना वो है मैक्रो मोलिक्यूल काइटिन इज। यहाँ पूछा है कि जो काइटिन है एक मैक्रोबायो मोलिक्यूल है, ओके ये क्या है ये, तो आप काइटिन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्योंकि काइटिन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको मैं पूरा काइटिन के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज काइटिन, बेटा काइटिन जो है वो होता है आपका पॉलीसेकेराइड। काइटिन इज होमो पॉलीसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड किसका होता होता है बेटा, होमो पॉलीसेकेराइड ऑफ नाग, एन ए जी, नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ओके मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड है, इंपॉर्टेंट है नाग, तो नाग का जो पॉलीमर है वो कौन होगा आपका काइटिन, और आप जानते हो बेटा पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं मैक्रोबायो मॉलिक्यूल, इसने क्या पूछा है मैक्रोबायो मॉलिक्यूल काइटिन इज, तो इंपॉर्टेंट है। देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, इसमें सल्फर नहीं होगी, सिंपल पॉलीसेकेराइड नहीं है ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, ध्यान दो इधर बेटा, देखो पॉलीसेकेराइड हो गया ये, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देखो नाम से पता लग गया एन एसिटाइल, यहाँ एन एसिटाइल ग्रुप है दैट कंटेन नाइट्रोजन, तो आप इसको क्या बोलोगे दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, तो आपका आंसर सिंपल आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, इस पे ध्यान दो बेटा, जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो मैं आपको फॉस्फोग्लिसराइड का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि उससे जो भी क्वेश्चन आए आपका वो करेक्ट हो जाए। जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं बेटा क्या होते हैं, वो लिपिड्स हैं, लेकिन उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको बताता हूँ, इसमें देखो इधर यहाँ देखें आप फॉस्फोग्लिसराइड में, देखो एक तो होगा आपका ग्लिसरॉल बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ ग्लिसरॉल जो है उसके साथ अटैच होता है आपका एस्टर, क्योंकि जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एस्टर के साथ जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड के साथ क्या हो जाएगा एस्ट्रीफाइड, ओके तो यहां पर आपका ये हो गया एस्टर बॉन्ड बन गया और ये आपका हो गया फैटी एसिड, एक और हो जाएगा यहां पर आर टू और यहां पर आपका होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या हो गया फॉस्फोग्लिसराइड, तो देखो यहां पर, और ये इंपॉर्टेंट है फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो इसकी बात करते हैं, ये जो मैंने फैटी एसिड्स बताए हैं आर वन आर टू, ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उस कंपोनेंट पे कि उसको रिक्वायरमेंट किसके इसके अकॉर्डिंग सेल जो है अपने आपको मेंटेन कर लेती है। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड, सही है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ए फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटैच्ड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, देखो यहां ये गलत हो गया, एस्ट्रीफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्ट्रीफाइड नहीं है ये, एस्ट्रीफाइड किसके साथ है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। थर्ड ऑप्शन देखो, ओनली ए सैचुरेटेड ओनली आ गया, तो ओनली नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या हो सकता है सैचुरेटेड भी हो सकता है अनसैचुरेटेड भी, फोर्थ क्या ओनली अनसैचुरेटेड ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन, इंपॉर्टेंट है, यहां एंजाइम से क्वेश्चन आ गया क्योंकि बायोमोलिक्यूल में आपका एंजाइम भी कवर होता है। चलो एंजाइम की अगर बात करें अपन, तो इसमें देखो किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, तो बेटा सही है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको तो क्या करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। जो एंजाइम होते हैं उनके पास एक स्मॉल पॉकेट होता है, ये क्या है एंजाइम, और ये जो स्मॉल पॉकेट है वो उसकी एक्टिव साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट जो है वो आके बाइंड होता है, तो इसने स्टेटमेंट सही बोला है। सेकंड, एडिशन ऑफ ए लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट
रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना, रटना नहीं है। आपका आंसर इसमें जो भी है उस आंसर पे डायरेक्ट नहीं जाना है। देखो इसमें आपके एग्जाम्पल दे रखा है, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसका एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है जिसका नाम है मेलोनेट। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मेलोनेट क्या करता है बेटा, मेलोनेट इस एंजाइम की केम वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। केम वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो एंजाइम की उसके एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और जैसे ही वापस जो सबस्ट्रेट है उसका लेवल इंक्रीज होगा, ध्यान देना, सबस्ट्रेट का लेवल इंक्रीज हो गया और इनहिबिटर का लेवल डिक्रीज हो गया, तो वापस सबस्ट्रेट क्या करेंगे, एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिवर्सिबल हो गया। लेकिन इसने क्या बोला है, एडिशन ऑफ लोट ऑफ सक्सिनेट, सक्सिनेट कौन हो गया, सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। जबकि ये क्या होता है, रिवर्स होता है, इसने क्या बोला है, नॉट। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके चलो यहां देखते हैं, पहले ये करेक्ट था आपका, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आपने आंसर पे क्या जाना है, आंसर अपना सेकंड, ये फिर भी बाकी देखते हैं। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एट विच द बाइंड द सबस्ट्रेट। सही है, करेक्ट है, क्योंकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं, पहले ये समझो, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है याद रखना ऑलवेज बाइंड विद द एक्टिव साइट, बट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एक्टिव साइट के अलावा कोई और दूसरी साइट से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये तो एक्टिव साइट होगी, वो बाइंड कहाँ होंगे, अदर देन द एक्टिव साइट। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अभी मैंने बताया मेलोनेट डिहाइड्रोजनेज का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हो गया। आपको सेलेक्ट क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ये भी पेटेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो जो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले बेटा समझो, जो रिड्यूसिंग होते हैं वो कौन होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या बोल दो रिड्यूसिंग सुगर्स। तो बेटा रिड्यूसिंग सुगर कौन होंगे, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उनमें रिड्यूसिंग कैपेसिटी होगी। तो आप देखो जिसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। चलो पहले बात करते हैं अपन माल्टोज की। तो माल्टोज बेटा किसका डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ध्यान देना बेटा इसको, पूरे को समझना, चारों ऑप्शन समझा रहा हूं मैं। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड, किसका डाइसेक्राइड है माल्टोज, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ध्यान देना इस पे। अब ये जो बॉन्ड होगा तो इसमें देखो इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ क्या हो गए, बिजी हो गए। आप जानते हो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे, तो इस सेकंड वाले ग्लूकोज का CHO ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग है। सुक्रोज, सुक्रोज की बात करें तो यहां देखो ध्यान देना, सुक्रोज क्या है, आंसर पे डायरेक्ट नहीं जाना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बिल्कुल। सुक्रोज इज ऑल्सो डाइसेक्राइड, और किसका डाइसेक्राइड है ये, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज में जो बॉन्ड होता है बेटा वो होता है 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का भी फर्स्ट कार्बन, उनके बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप, दोनों क्या हो गए, एंगेज हो गए, क्योंकि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं रहेगा, तो अपना सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। चलो लैक्टोज की बात कर लेते हैं, आंसर आ गया अपना सुक्रोज, बट फिर भी लैक्टोज को देखो, लैक्टोज भी क्या होता है बेटा, डाइसेक्राइड। ये किसका डाइसेक्राइड है, लैक्टोज इज द डाइसेक्राइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, याद रखने हैं सारे, सब क्वेश्चन आते हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और यहां पर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, तो इसमें ग्लूकोज का भी क्या होगा, CHO ग्रुप फ्री रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। राइबोज 5-फॉस्फेट, ये भी क्या है, मोनोसेक्राइड, याद रखना बेटा जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे, क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट कैटालाइज द लिंकिंग टूगेदर ऑफ टू कंपोनेंट। वेरी सिंपल, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं तुम्हें। जो एंजाइम्स हैं उनको उनकी जो एक्टिविटी, जिस टाइप की वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको 6 क्लासेज में
डिवाइड किया गया है। तो एक बार इन सिक्स क्लासेस को आप देख लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लो। जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड क्लास ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइज, आइसोमरेज एंड लास्ट लाइगेज। तो एंजाइम को अपन ने सिक्स क्लास में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। इसने क्या पूछा है, आपको उस एंजाइम की क्लास को सेलेक्ट करना है जो दो कंपोनेंट को आपस में लिंक करती है, जोड़ती है। तो आपकी वो क्लास कौन सी होती है बेटा, लाइगेज। लाइगेज कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट्स थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड। फिर भी समझ लो, आंसर तो अपना हो गया लाइगेज। ऑक्सीडोरिएक्टेज क्या करते हैं बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। बोले तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ट्रांसफरेज कैटलाइज द ग्रुप ट्रांसफर बिटवीन द सबस्ट्रेट्स, वो होंगे ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस, बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाई एडिंग वॉटर मोलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइज, लाइज क्या करते हैं, ऑल्सो ब्रेक डाउन द कोवेलेंट बॉन्ड बट विदाउट एडिंग द वॉटर मोलिक्यूल। आइसोमरेज, आइसोमरेज क्या करते हैं, आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और लाइगेज क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को आपस में बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन करवाएंगे। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड। देखो क्वेश्चन को रीड करो, सी अर्चिन है, उसका डीएनए आइसोलेट किया, उसने बोला है विच इज डबल स्टैंडर्ड, कैसा है वो, डबल स्टैंडर्ड है ऐसा डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड मीन्स बेटा दैट कंटेन टू स्ट्रैंड्स, तो ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसने बोला उसमें 17% बेसेज वर शोन टू बी साइटोसिन, तो सिंपल है, इस डीएनए में साइटोसिन जो है वो कितने हैं, 17%, द परसेंटेज ऑफ द अदर बेसेज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए। वेरी सिंपल बेटा, दिमाग में आ गया होगा, यहाँ चारगाफ रूल जो है वो अप्लाई होगा। जानते हो चारगाफ रूल, चारगाफ रूल, चारगाफ साइंटिस्ट है जिसने ये रूल दिए थे, और ये जो है बेस इक्विवेलेंसी पे डिपेंड है। इसमें इसने क्या बताया था बताओ बेटा, इन डबल स्टैंडर्ड, और याद रखना बेटा चारगाफ रूल्स ओनली अप्लाई ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे कभी भी अप्लाई नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल द कंसंट्रेशन नंबर ऑफ एडिनिन मॉलिक्यूल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन, एक ही बात है बेटा, या बोल सकते हैं अपन प्यूरीन इक्वल टू पायरिमिडिन, तो आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ बेटा 17% साइटोसिन है, तो गुआनिन कितना होगा, इक्वल होगा 17%। ओके, इसके अलावा आपको अब यहां पर एडिनिन और थायमिन को कैलकुलेट करना है, 17 को ऐड कर लो 34, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 66 को क्या कर दो आप, अब हाफ हाफ कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ग्वानिन कितना हो गया 17% ये रहा, ओके, और एडिनिन थायमिन कितना हो जाएगा 33% आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापस वही करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट रीड करो, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केएम ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, क्लियर। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर याद रखना बेटा, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, केएम को इंक्रीज करते हैं ना कि डिक्रीज। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पर, फर्स्ट। बाकी फिर भी देख लो, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। देखो ये वापस वही कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट वही रिपीट होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे उनका लेवल कम होगा सबस्ट्रेट का इंक्रीज होगा, वापस क्या हो जाएंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, सही है, एंजाइम से वो केमिकली चेंज नहीं होंगे, स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखो, द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इनका इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसकी ब्रेकडाउन रेट पे इनका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट,
द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इंसुलिन की। बेटा आप सब जानते हो इंसुलिन जो है वो हॉर्मोन है जिसके अंदर दो पेप्टाइड होती हैं, कौन कौन सी, ए चैन एंड बी चैन। यहाँ पर अपन मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं और ए चैन और बी चैन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चैन, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड ब्रिज, ये रहा डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ याद रखना, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में वो हमेशा होता है सिस्टीन जो रेजिड्यूज हैं उनके बीच में, जानते हो बेटा सिस्टीन, सिस्टीन क्या है, अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इंपार्ट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली सिस्टीन इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक और होता है सल्फर कंटेनिंग मिथियोनिन, बट मिथियोनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, ये आपके सेल बायोलॉजी में भी आया था क्वेश्चन, ये तो जो फंजाई है उनमें मेन कंपोनेंट कौन होता है सेल वॉल का, आंसर इज काइटिन, काइटिन आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज। नेक्स्ट, ए नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन प्रोटीनिस एंजाइम की बात करें, ऑब्वियसली वी नो दैट ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, और एक्सेप्शन कौन सा है बेटा, राइबोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइबोजाइम। फिर समझ लो राइबोजाइम क्या होता है, यहाँ पर राइबो देखो आरएनए किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एंजाइम का, इफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम, तो क्या हो जाएगा आपका राइबोजाइम। तो राइबोजाइम की नेचर क्या होगी बेटा, राइबोजाइम इज ए न्यूक्लिक एसिड, तो ये प्रोटीन नेचर का नहीं हुआ, ये क्या है न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका राइबोजाइम। बाकी सारे क्या है ये प्रोटीन नेचर के, प्रोटीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। बेटा आप जानते हो जो प्रोटीन है उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, क्लियर। इसके अलावा कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे बिटवीन अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मेन जो बॉन्ड होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर के रेस्पॉन्सिबल होता है वो बेटा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर में फिर बहुत सारे इंट्रैक्शन और बॉन्ड होंगे आपके, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इसके अलावा होते हैं आपके आयोनिक इंट्रैक्शन, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, तो ये उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो बताओ इसने पूछा क्या है, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन, तो यहाँ पर लिस्ट लाइकली जो बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है या उसका कोई रोल नहीं होता, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा अगर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फोल्ड होकर आइए, तो एस्टर बॉन्ड का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, प्रोटीन में एस्टर बॉन्ड जो है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का आपका एक चार्ट दे रखा है और ये केमिस्ट्री से भी कोरिलेट करता है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, देखो ग्राफ को समझो पहले, और ग्राफ समझ में आ जाएगा तो सीधा आंसर पे जाओगे आप। इस ग्राफ में इधर तो दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और इधर दे रखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसने दो ग्राफ इसमें प्लॉट किए हैं, ठीक है। एक ग्राफ तो ये है और एक ग्राफ ये, यहाँ देखो बेटा ये बता रहा है यहाँ है सबस्ट्रेट, ओके ये सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है सबस्ट्रेट से, तो इसके पास अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन कैटलाइज होगी, रिएक्शन में भी कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, और हो सकता है एंजाइम उसमें प्रेजेंट ना हो, लेकिन जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ट्रांजिशनल स्टेट आती है, और उस ट्रांजिशनल स्टेट में क्या होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स। इधर देखो ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ ये बता रहा है ट्रांजिशनल स्टेट, ये ट्रांजिशनल स्टेट है हाई है, यहाँ पर ये ट्रांजिशनल स्टेट है क्या है लो है, और ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, इसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में एनर्जी में डिफरेंस आ गया, सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई। इसका मतलब पक्का रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक, क्लियर। रिएक्शन कौन सी होगी,
एक्सोथर्मिक, और यहां पर जो ए और बी दो प्लॉट कर रखे हैं, तो बी देखो उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है और ए में एंजाइम इन्वॉल्व है, तभी तो देखो इसमें जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई। देखो ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और आप जानते हो एंजाइम का जो मेन रोल क्या होता है रिएक्शन में, एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा, याद रखना, एंजाइम ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो यहां पर ए वाली जो है वो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है और बी है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। अब चलो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सही है, एक्सोथर्मिक है विद एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, एक्सोथर्मिक है, ए इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है। एंडोथर्मिक नहीं होगी बेटा, नहीं हो पाएगा ये। एक्सोथर्मिक है ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है, विद एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो ये गलत हो गया। क्लियर है, मैंने आपको ग्राफ समझा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ एंजाइम। देखो वापस एंजाइम का क्वेश्चन आ गया, एंजाइम से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है एंजाइम, वैसे भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें कौन इन्वॉल्व है, एंजाइम, एंजाइम कैटलाइज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तभी तो अपने अंदर एक परफेक्ट क्या होता है, रेगुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है, फास्ट होती है। तो इसमें देखो बेटा विच आपको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। अभी देखो सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने बताया था आपको जो होलो एंजाइम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें आप, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। तो होलो एंजाइम में एपो एंजाइम आ गया प्लस कोएंजाइम, कोफैक्टर नहीं दिया उसने, क्या बोल दिया, कोएंजाइम। तो अपना जो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंड ये इनकरेक्ट है, होलो एंजाइम कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर नहीं होंगे, एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमर। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट चलो बेटा देखो, इधर मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं, यहां पर मैक्रो बायो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इसमें एग्जांपल है आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। ओके, जो प्रोटीन है बेटा ये पॉलीमर है, देखो प्रोटीन्स क्या होती हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, एंड लिपिड जो है वो बेटा याद रखना पॉलीमर नहीं होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिपिड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। अच्छा क्वेश्चन है, इसने पूछा है जो मोस्ट अबंडेंट आरएनए है एनिमल सेल में वो कौन सा होता है। तो यहां पर अपन बात करें, देखो जो आरएनए है मेनली तीन टाइप के हैं जो फिजियोलॉजिकल आरएनए होते हैं आपके, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ओके, तो तीनों में अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। जो एमआरएनए है बेटा वो सबसे लिस्ट अबंडेंट होगा, परसेंटेज में आपको बता देता हूं, ये होता है अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए। उसके बाद बात आती है टीआरएनए की, मॉडरेट है ये बेटा, ये होता है आपका 10-15% ऑफ टोटल आरएनए। आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट, और ये है बेटा 80-85% ऑफ टोटल आरएनए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर आर इम्पोर्टेंट है, जो आपकी जो सुगर्स हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल है बेटा, यहाँ पर देखो कार्बोनाइल फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं होगा, कार्बोनाइल हाइड्रोक्सिल ये होगा, कार्बोनाइल मिथाइल नहीं होता, हाइड्रोक्सिल मिथाइल नहीं होगा, तो यहाँ पर सुगर जो है उनमें कौन से होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं और साथ में हाइड्रोक्सिल, आप सभी जानते हो बेटा सुगर, तो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दीज आर द पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, मतलब या तो कीटोन ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? पोलीहाइड्रोक्सी कंडीशन, इट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मोर देन वन, टू और मोर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट।